स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपनी प्रोज बुक को पढ़ा था और आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की बुक को पढ़ेंगे। मैम, व्याकरण क्या होता है? मैम, क्या इसको पढ़ना जरूरी है? बेटा, व्याकरण हिंदी भाषा की विशेष जानकारी के लिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण इन तीन शब्दों से मिल के बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। मैम, क्या इसको पढ़ना जरूरी है? क्या हम इसके बिना अपनी कविताओं को नहीं पढ़ सकते? हाँ बेटा, इसको पढ़ना जरूरी है। किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। कोई भी चीज नियम के विरुद्ध नहीं हो सकती, अर्थात भाषा भी नियम के विरुद्ध नहीं हो सकती। भाषा? भाषा क्या है मैम? बेटा, किसी भी बात को बोलते समय या लिखते समय हम जो भी भूल करते हैं उसको सुधारने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, और व्याकरण की जानकारी भाषा की शुद्धता के लिए जरूरी है। तो मैम, हमें ये भी बताइए ना, भाषा क्या होती है? जरूर बच्चों, भाषा भी बताएंगे। भाषा यानी कि हम अपनी किसी भी बात को कहने या अपने मन के विचारों को कहने या समझने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इसको आप अपनी बुक में भी अच्छे से तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए, इस चित्र में नेता लोगों को भाषण दे रहे हैं। लोग उन भाषणों को ध्यान से सुन रहे हैं। हम अपने मन में उठने वाले भावों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं। अन्य लोग हमारे शब्दों को सुनकर हमारे मन के भावों को समझ सकते हैं। हम अपने भावों को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक रिपोर्टर है, वो लिख रहा है। हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। क्यों नहीं बच्चों, भाषा को समझ में आ गई कि भाषा क्या होती है। कुछ और भी बताइए ना इसके बारे में। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपनी बात को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, है ना? जैसे किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों, अखबारों की भाषा लिखित होती है। लिखित भाषा में किसी भी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसी प्रकार मातृभाषा, मातृभाषा दो शब्दों मतलब मात्र और भाषा के संयोग से बनी है, जिसका अर्थ होता है माँ की भाषा, यानी कि जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। अब राजू बेटा, तुम ही बताओ, राजभाषा राजभाषा क्या होती है? मैम, राजभाषा राजा की भाषा। मैम, हम बताएं? हाँ जरूर। मैम, देश का काम चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। राइट पिंकी, आपने बिल्कुल सही बताया। जिस देश में जो भी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है उसी को उस देश की राजभाषा भी मान लिया जाता है। और हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा मैम, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही बच्चों। चलो अब मैं तुम्हें मौखिक भाषा के बारे में बताती हूँ। मौखिक भाषा जब हम अपने भावों को और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन और दूरदर्शन के उद्घोषक आदि की भाषा मौखिक होती है। मैम, फिर वो क्या होता है जो हमारी मम्मी कहती है कि अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो कहती है कि अपनी बोली में सुधार लाओ। मैम, बोली क्या होती है? हाँ बेटा, बोली जब कोई भी भाषा अल्प विकसित होती है तो वो सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का वह रूप बोली कहलाता है। और हिंदी भाषा की कई बोलियाँ हैं, जैसे अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी। चलो बच्चों, अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं। भाषा को लिखने के लिए जब विशेष चिन्ह प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। मैम, हम तो हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हाँ मैम, हमारी हिंदी भाषा के अलावा भी तो और सारी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनको कैसे लिखते हैं और उनकी लिपि क्या है? बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बिल्कुल बेटा, हमारे
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कुछ दूसरी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि। मैम, केरल, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बेटा, केरल में मलयालम, कश्मीर में डोंगरी और कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल, राजस्थान में राजस्थानी, बंगाल में बांग्ला, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। मैम, पर दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनकी क्या लिपि होती है और कौन कौन सी भाषा बोली जाती है पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, अरब में, ईरान में? बेटा, जैसे भारत देश है उसकी भाषा हिंदी है और वहाँ की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार पाकिस्तान में उर्दू और उसकी लिपि फारसी है। इसी प्रकार ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और उसकी लिपि रोमन है। अरब में अरबी, जिसकी लिपि अरबी है, और ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है, जिसकी लिपि फारसी है। समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चों, तो जो भाषा बाहर बोली जाती है और देशों में, उसको ही हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। बेटा, हमारे देश में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है, और अंग्रेजी भाषा ना केवल हमारे देश में बोली जाती है बल्कि और भी देश में बोली जाती है। दुनिया के और भी देशों में इस भाषा को बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी भाषाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा। मैम, ये बात तो समझ में आ गई, पर व्याकरण का यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। शाबाश पिंकी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। बच्चों, आप तो जानती हैं ना कि व्याकरण की ज़रूरत हमें अपनी बात को शुद्ध करने के लिए या अपनी बोली या लिखी बात को सही करने के लिए ज़रूरी है। चलिए, अब मैं आपको दो वाक्य बोल के बताती हूँ। राजू नाचती है, राधा नाचता है, बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैम, दोनों ही अजीब लग रहे हैं, दोनों ही गलत है मैम। क्या लड़की कभी नाचता है और लड़की कभी नाचती है, दोनों गलत हैं। शाबाश पिंकी, बिल्कुल सही बात। अब तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये बात तुम्हें व्याकरण का ज्ञान होने की वजह से ही पता चली कि लड़कियों के लिए हम ती हैं लगाते हैं और लड़कों के लिए ते हैं लगाते हैं। इस प्रकार सही वाक्य हुआ कि पिंकी नाचती है और राजू नाचता है। थैंक यू मैम, आपने तो हमें सारी बातें अच्छे से समझा दी। अब हम समझ गए हैं कि व्याकरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम बहुत मन लगा के पढ़ेंगे इस व्याकरण को, क्योंकि इसी से हमें भाषा का शुद्ध रूप का पता चलेगा। हाँ मैम, थैंक यू सो मच। शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मुझे उम्मीद है कि तुम इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम सेम डे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।